पबजी को टक्कर देने के लिए तैयार है, पबजी जैसी ही लग रही है एक तरह से, क्योंकि जो फाइट सीन थे पहले शुरू में तो पता ही लगा, जब बाद में वो कंट्रोल कर रहा था तब लगा कि हाँ कंट्रोलिंग से थोड़ा गेमिंग का लग रहा है, गेमिंग का पता चल रहा था। फाइट फाइट के सीन तो वैसे ही लग रहा था मूवी के हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है मुनीश, मैं हूं सुनील, और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है अवेंजर्स डैमेज कंट्रोल मार्वल स्टूडियो। तो ये स्टोरी ट्रेलर है इस गेम का, ये एक्चुअली गेम है अवेंजर्स की जो कि मार्वल स्टूडियोज ने रिलीज की है। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम होगी, तो देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। Threat has resurfaced. I sense that this force has been waiting, rebuilding its strength in secret until now. Ayelam. Game to lag hi nahi rahi hai zara bhi. Are you guys the new recruits? Yeah, lag rahi hai. Yahan to lag rahi hai. Circled right into the middle of our date. Date. Popcorn on the couch and reruns of Golden Girls is not a date. Stop calling it a date. Not a date. Heads up, everybody. More incoming! Make good choices! Oh my God. तो दोस्तों ये था स्टोरी ट्रेलर एवेंजर डैमेज कंट्रोल का। तो बिल्कुल भी मतलब देख के ऐसा, इतने स्टनिंग विजुअल्स हैं। एक्चुअली मार्वल स्टूडियो के पास इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छा मतलब पहले से ही इतनी अच्छी एनिमेशन टीम्स हैं उनके पास कि उन वो तो मूवीज़ को ही ऐसे बिल्कुल रियल बना देते हैं। तो ये तो फिर भी उन्होंने मतलब गेम को भी बिल्कुल असली जैसा ही बना दिया। चला भी लगा नहीं गेम है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के विजुअल्स आए तो ऐसे लगा कि हाँ मूवी का ट्रेलर स्टार्ट हो गया। बिल्कुल मूवी का ट्रेलर ही स्टार्ट हो गया। और इसी के साथ जो ये वर्चुअल रियलिटी जो गेम है ये मतलब पबजी को टक्कर देने के लिए तैयार है, पबजी जैसी ही लग रही है एक तरह से, क्योंकि जो फाइट सीन थे पहले शुरू में तो पता ही लगा, जब बाद में वो कंट्रोल कर रहा था तब लगा कि हाँ कंट्रोलिंग से थोड़ा गेमिंग का लग रहा है, गेमिंग का पता चल रहा था। फाइट फाइट के सीन तो वैसे ही लग रहा था मूवी के हैं। और इसी के साथ हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्वल से एक मूवी की, तो देखते हैं मार्वल स्टूडियो की अगली मूवी कब रिलीज होती है, कब उसका ट्रेलर आता है। बात करें इस ट्रेलर के बारे में तो ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक जो जॉय लुकास ने एक कंपनी बनाई थी, जो बाद में स्टीव जॉब्स ने खरीदी, उसके बाद डिज्नी ने खरीद ली थी, उनके साथ मिलकर डिज्नी की ही ये दोनों कंपनीज, डिज्नी की है मार्वल ILM, तो डिज्नी ने इन सबको कंपनियों को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी मतलब स्ट्रेटजी बनाई है कि पैसा कमाया जा सके अच्छे से, अवेंजर्स का फुल टू यूज़ किया जा सके, चाहे वो फिल्म से हो, चाहे वो गेम से हो, चाहे वो उनके टॉयज बना के हो। तो सारी कोशिशें हैं पैसा बनाने की, इसमें सारे एवेंजर्स सारे यूटिलाइज कर लिए हैं, सारे एवेंजर्स, हाँ एवेंजर्स में तो सारे आए ही सुपर हीरो आएंगे मार्वल के। तो ऐसा था ये ट्रेलर, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और साथ के साथ दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो छूट ना जाए। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रिएक्शन तो नहीं था ये एक तरह से, लेकिन अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन है लाइक करें, शेयर बटन है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, देखें ये वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, see you।